राजधानी देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक निजी कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में भारी मात्रा में कूड़ा मिलने पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की। दरअसल स्थानीय निवासी अनीता वर्मा द्वारा नगर निगम में शिकायत किए जाने के बाद मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना अपनी टीम के साथ ओपन लाउंज का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां बेसमेंट में जगह जगह कूड़ा बिखरा मिला, इसे देखकर उन्होंने रेस्टोरेंट मालिक और कॉम्प्लेक्स मालिक के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि गंदगी फैलाने पर कॉम्प्लेक्स में मौजूद शराब की दुकान और कैंटीन पर 1,00,000 रुपए की चलानी कार्रवाई की गई। उन्होंने ये भी बताया कि शराब की दुकान मालिक का सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर 1,00,000 रुपए का चलान किया गया और सीवर को खुले में बहने देने और बेसमेंट में कूड़ा फेंकने पर कॉम्प्लेक्स मालिक का 2,00,000 रुपए का चालान किया गया। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। यही परेशानियां हैं। सबसे पहली परेशानी तो 3 साल से ये खुला है यहाँ से, कि हम यहाँ से निकलना हमारा मुश्किल हो गया है, हमारे बच्चों का, क्योंकि 6 बजे से लेके 12 बजे तक सड़क पे यहाँ इतनी भीड़ होती है कि हम पैदल भी नहीं चल सकते। लोग बाहर खड़े होकर यहाँ सरेआम पीते हैं, खुले आम पैंट खोल खोल के यहाँ बाथरूम करते हैं, ठीक है ना। उन्हें शर्म भी नहीं आती कि लेडीज और लड़कियां आ रही है, ठीक है। हमारा तो मतलब रहना, और हम अपनी मतलब गाड़ी तो एंटर करने की बात ही छोड़ो, पैदल हम नहीं कर सकते, पूरा रास्ता जाम कर देते हैं शराबी लोग, और यहीं पे लड़ाई झगड़े करते हैं, 12 बजे तक यही जमघट लगा रहता है। हमने शिकायत सब जगह की है, हमने धारा चौकी में बहुत बार एप्लीकेशन दी है, वहां पे उन्होंने आते थे फिर बीच में बंद कर दिया। हमने DM के पास भी शिकायत करी है, हर जगह की, SSP को भी हम लेटर दे के आए, हम खुद मिल के आए SSP से, कोई कार्यवाही नहीं हुई हमारी। तो जब संतुष्ट हम जब होंगे ना, जब ये हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये जन शिकायत में जो है शिकायत प्राप्त हुई थी, ये राजपुर रोड से थी, ये एरिया यहाँ पर जो है SDA मैडम के साथ जो है संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि जो यहाँ पर जो ठेके आए लाइसेंस धारी जो शराब की दुकान है, इनके द्वारा जो है गंदगी फैलाई जा रही है और सिग्नल यूज प्लास्टिक का भी उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कैंटीन है वो भी जो है धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक के जो अधिनियम है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो इन लोगों पर चालान किया गया है। कुल जो है सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर जो है कैंटीन के मालिक का और गंदगी फेंकने पर 1,00,000 रुपए का चालान किया गया है। साथ ही साथ जो ठेका है उस पर जो है उनका सिंगल यूज प्लास्टिक रखने पर जो है उनका भी 1,00,000 रुपए का किया गया, और साथ ही साथ जो बिल्डिंग के ओनर है उनके द्वारा जो गंदगी फैलाई जा रही है, सीवर खुले में बहाया जा रहा है और साथ ही साथ जो है वो कूड़ा जो है वहीं पर ही फेंका जा रहा है, उस पर उनका भी जो है 2,00,000 रुपए का चालान किया जा रहा है।